बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत ये शाम एक्चुअली बाबा कई साल से करते आ रहे हैं यहाँ जानकी कुटीर में, जो कि एफ़ साहब का घर है, शौकत का घर है। और इस तरह से हम जो यहाँ इतनी सारी यादें वाबस्ता हैं हमारी, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ आए हैं, यू नो दिस। हाँ चलिए जावेद साहब, आप ही कुछ कहिए। जावेद साहब कुछ कहिए, कुछ कहिए शाम के बारे में, कुछ कहिए, कहिए ना वैसे नहीं दे रहे जी। आज की शाम के बारे में बताइए जावेद साहब। नहीं, आज की शाम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी शाम थी। न सिर्फ ये कि यहाँ कुछ गीत गाए गए और बहुत टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट यहाँ थे, लेकिन सब ने कैफी साहब को, जिनका ये घर है और ये जिस कोर्टयार्ड में आज ये महफिल हो रही थी, इसी में हर शाम वो आके बैठते थे, शाम को चाय पीते थे यहीं, और यहीं सारे लोग उन्हें आके घेर के बैठते थे। और उसमें राइटर्स भी होते थे और सिंगर्स भी होते थे, डायरेक्टर्स भी होते थे और एनजीओज भी होते थे। तरह तरह की बहसें भी यहाँ होती थी और तरह तरह के गीत भी सुनाए जाते थे और तरह तरह की शायरी भी होती थी। तो इस आंगन को आज फिर ऐसी आवाज़ें सुनाई दी हैं जो यहाँ अक्सर सुनाई देती थी। और बहुत खुशी की बात है कि उनके बच्चों ने, बाबा ने और शबाना ने इस ट्रेडिशन को जिंदा रखा है। इस घर की हर एक 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 ईंट जो है वो कैसी कैफी साहब की याद दिलाती है। और बहुत खूबसूरत शाम थी, बहुत खूबसूरत बातें हुई और लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है कैफी साहब के लिए वो बहुत दिखाई दे रही थी। साथ ही मैं ये भी जानना चाहेंगे कितनी सारी यादें जो है वो ताज़ा हुई आज की शाम की वजह से। अब मैं गिनती तो नहीं बता सकता आपको कि, लेकिन जाहिर है कि पूरी शाम उन्हीं की बातें हुई, उन्हीं को याद किया लोगों ने और उनके खूबसूरत गीत सुनाए गए, उनकी बातें भी हुई, उनकी शायरी भी सुनाई गई, तो उनके बारे में भी लोगों ने बड़ी अच्छी बातें कही। ओके, आज की शाम सर कोई ऐसी बात हुई कैफी साहब की जो आपको हमेशा याद आती हो, जो हर वक्त आपके ज़हन में रहती हो, जो उन्होंने आपसे कभी? उनकी एक बात नहीं, उनकी बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में हैं। और उसकी वजह यह है कि मैंने तो जब शायरी शुरू की थी तो चंद लोग जिन्हें मैं सुनाता था उनमें से एक कैफी साहब थे, एक डॉक्टर राही मासूम रजा थे, एक डॉक्टर धर्मवीर थे, एक डॉक्टर बच्चन थे, चार लोग थे जो खुद पोएट्स थे। तो इनको मैं बिल्कुल जब शुरू मैंने की थी शायरी उन्हें सुनाता था, तो उन लोग की जो राय थी, जैसे कैफी साहब जो मुझे राय देते थे और वो राय बहुत आहिस्तगी से देते थे, ये नहीं बोलते तुमने ये गलती की है, वो कहे ये ज़रा देख लेना, ऐसे करके कैजुअली बोलते थे। और तो उनसे बहुत सी बातें सीखी हैं और सुनी हैं और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर भी उनका देखा है, उनकी डिग्निटी भी देखी है। और एक बात जो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि आप एक आदमी को जानना है तो या तो 14 बरस उसके साथ रहिए या उसके साथ सफ़र कीजिए या उसे गुस्से में देखिए। गुस्से में आदमी की जो असलियत है, जो उसका लेवल है, जो उसकी सतह है, जिस सतह का आदमी है वो मालूम हो जाता है। मैंने कैफी साहब को एक दफ़ा बहुत गु़स्से में देखा था और यहीं इसी घर में बाहर जो बरांडा है उसमें कोई साहब थे जो ज़रा नामुनासिब बात कर रहे थे, तो कैफी साहब ने आहिस्ता से उन्हें मना किया, तो वो बड़े एग्रेसिव थे और कैफी साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तो उन्होंने कहा साहब ऐसी बात है तो मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। तो कैफी साहब ने उनसे नहीं कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। कैफी साहब ने कहा जैसा आप मुनासिब समझें। तो मैं इस बात से बड़ा इम्प्रेस हूँ कि एक इंसान जो इतने गुस्से में है वो इस वक्त ये कह रहा है जैसा आप मुनासिब समझें। ये तहजीब अगर कल्चर आपकी हड्डियों के अंदर होगा ना, तब आप में ये तमीज़ आएगी, वरना गुस्से में आदमी सारे मैनर्स भूल जाता है। तो मैं इस बात से बहुत मुतासर हुआ और मैंने याद रखा कि कितना भी गुस्सा हो आदमी को तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ओके जावेद जी, आपसे जावेद सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बात हो चुकी है तो कंटेंट के रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल में जो है एक न्यूज़ आ रही है कि इंडियन टेलीविजन के जो कंटेंट है उन्हें बैन करना चाहिए हमारी पड़ोसी मुल्क से, ये कहते हुए कि वो हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कल्चर कौन डैमेज कर रहा है? नहीं सर, पड़ोसी मुल्क का ये कहना है कि
है, मतलब हमारे जो टेलीविजन के कंटेंट्स है जो वहाँ दिखाया जाता है सर, वहाँ पे जो हमारा इंडियन कंटेंट जो दिखाया जाता है, हमारे टीवी शोज वगैरह जो पाकिस्तान में दिखाए जाते हैं उनको लेके वहाँ पे लोगों को आपत्ति है और वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया दिखाना, तो उनको कहता है कि उनका कहना कि ये उनके कल्चर को डैमेज करता है। नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं और ये ना उधर से होनी चाहिए ना इधर से। वहाँ के इतने अच्छे टीवी सीरियल्स वगैरह जो होते हैं यहाँ पर टेलीकास्ट होने चाहिए, जहाँ होते हैं नहीं होते होने चाहिए, और जो हमारे अच्छे प्रोग्राम हैं टीवी प्रोग्राम वहाँ होने चाहिए। कौन सा कल्चर डैमेज हो जाता है, ना हमारा कल्चर डैमेज हो सकता है ना उनका कल्चर डैमेज हो सकता है। और ये जो है सर हमारे जो शोज वगैरह उनको आपको लगता है कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी कल्चर? अरे भाई ये सब कहने वाली बातें होती हैं, ये हर तरफ से होती हैं। यहाँ पर गुलाम अली को गाने नहीं देते, कहीं किसी को कुछ होता है कुछ वहाँ भी करते हैं। आज तक लता मंगेशकर कभी वहाँ नहीं गई, आशा भोसले वहाँ नहीं गई। यहाँ पर अब पाकिस्तानी आर्टिस्टों के खिलाफ बात करते हैं बहुत सारे लोग, ये गलत है। जहाँ तक आर्ट का ताल्लुक है, कल्चर का ताल्लुक है, चाहे वहाँ के लोग हों चाहे यहाँ के लोग हों, पूरा रास्ता खुला होना चाहिए।